एक दिन हो रही थी मस्त धनातन बारिश और बारिश देखकर धनिया का मन हो रहा था चाय और पकौड़े खाने का। अब घर में बेसन था नहीं तो धनिया ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर छाता लेकर आया और चल दिया मार्केट बेसन लेने के लिए। और दुकान पे जाके धनिया ने बेसन मांग, बेसन तो धनिया को दे दिया। लेकिन धनिया ने नोटिस किया कि दुकान वाले के साथ वहाँ पर जितने भी लोग थे ना, वो सब धनिया को घूर रहे थे। और धनिया ने सोचा कि आज शायद मैं ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहा, इसलिए लोग मुझे घूर रहे हैं। और ऐसा सोचकर धनिया बेसन लेकर अपने घर तरफ चल दिया। रास्ते में मिले धनिया को शिक्षा भैया चाय की टपरी पे चाय पीते हुए। अब शिक्षा भैया धनिया को देखा तो तुरंत बुला लिया, इधर आओ धनिया इधर आओ। शिक्षा भैया ने नोटिस किया कि धनिया ने छाता तो लगा रखा है लेकिन धनिया फिर भी भीगा हुआ है, क्योंकि धनिया के छाते में एक होल हो रखा था। तो शिक्षा भैया ने पूछा कि धनिया तू होल वाला छाता क्यों लेके घूम रहा है। तो धनिया बड़े प्यार से बोला, शिक्षा भैया इस छाते में होल थोड़ी ना था, वो तो मैंने खुद किया है, जिसे कि जब बारिश बंद हो जाए तो मुझे पता चल जाए, नहीं तो मैं बंद